तो बच्चों, हमने देखा कि बाबू भाई 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई थी। बाबू भाई झटपट नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां देखते क्या है, वहां पर एक माली बैठा हुआ था। माली को देखकर वह पूछने लगे, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक नारियल है। माली का जवाब सुनते ही बाबू भाई के मुंह से प्रश्न अथवा एक वाक्य निकला, हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो, मैं कितना थक गया हूँ। बाबू भाई उस माली को अपने थकावट के जरिए अपना मूल्य कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह समझा रहे हैं उसे कि वे बिल्कुल थक चुके हैं, पैदल चलते हुए आए, पूरा रास्ता पैदल कटा है उनका, और पूरा दिन भर वह चलते रहे। अब 25 पैसे के बदले आप उन मुझे मुफ्त में दे दो। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए? पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहो तोड़ लो। तो बाबू भाई ने ये बात जब माली से सुनी तो उनको आश्चर्य का झटका ही लगा। वो बोले, सच? जितना चाहो ले लूँ? बाबू भाई तो खुशी से फूले न समाए। यहाँ पर बच्चों एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है वाक्यांश में, खुशी से फूले न समाना। अब इसका मतलब क्या हो सकता है आपको पता है? आप में से कोई जानता है इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, इसका अर्थ है कि बहुत खुश होना, अत्यंत खुश होना, बहुत खुश हुए। किस लिए खुश हुए? बिल्कुल सही है कि उनको नारियल मुफ्त में मिल रहे थे और जितने चाहिए उतने मिल रहे थे। समझ में आई बात कि जितने चाहे उतने ले लो और वह भी मुफ्त में। जब भी हमें मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी उन्हें लेने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी जल्दी वह पेड़ पर चढ़ना शुरू किए। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। वो मन ही मन सोच रहे हैं बच्चों, पेड़ पर चढ़ रहे हैं और मन में उनको एक प्रकार से खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, खुशी महसूस हो रही है। किस बात से? कि अब जितने चाहें वे उतने नारियल तोड़ ले सकते हैं और उसके उनको पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। बाबू भाई ऊपर पहुंच गए, दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने की कोशिश होने लगी, किंतु जख पैर फिसल गया। पैर फिसल जाते ही बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। देखिए, दोनों पैर हवा में और वे झूला झूलने लगे। बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। बच्चों, विनती करना ये शब्द तो परिचित है ही हैं आप, कि रिक्वेस्ट करना, विनती करना। अब विनती की माली से, बचाओ मदद करो। माली बोला, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। माली ने अपने आप को उस विषय से दूर कर लिया। वो बोला, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, नारियल आपको मुफ्त में चाहिए थे, आप नारियल के पेड़ पर चढ़े और आपके पैर फिसल गए, आप हवा में हो, मैं आपको बचा नहीं सकता। तभी उसी वक्त बच्चों,
वहां पर एक ऊंट की सवारी जा रही थी। ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजर रहा था। बाबू भाई ने आवाज दी, अरे ओ, बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। बाबू भाई की बात ऊंट वाले ने जब सुनी तो ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट वाले ने बाबू भाई की मदद करने की सोची। इस कहानी से बच्चों हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। पहली शिक्षा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है, अगर कोई मदद के लिए आवाज़ दे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी मदद करने का प्रयास अथवा उसकी ओर ख्याल रखना चाहिए, उसके प्रति कुछ मदद की भावना मन में जागनी चाहिए अथवा किसी के जरिए मदद भी की जा सकती है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय क्या हुआ, ऊंट को जमीन पर हरे हरे पत्ते नजर आए, लीव्स कहा जाता है, लीव्स नजर आए, हरे हरे पत्ते। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने अपनी जो गर्दन है वह झुका ली और अपनी जगह से थोड़ा सा ऊंट हट गया। हटते ही क्या हो गया, देखिए बच्चों, बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। तो यहाँ आपको समझ आ रहा हो कि ऊंट की पीठ पर खड़े हुए ऊंट वाले के दोनों पैर फिसल गए। वजह थी ऊंट जो था वह एक कदम आगे बढ़ चुका था, इसकी वजह से उसके पैर फिसले। पैर फिसलते ही उस ऊंट वाले ने हवा में लटके हुए बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया और उसी वक्त उनका भाग्य ठीक था। इतने में वहां उसी रास्ते गुजरने वाला एक घुड़सवार उनको नजर आया। घुड़सवार को देखकर बाबू भाई लटकते हुए ऊपर से दुहाई देते हुए बोले, विनती करते हुए बोले, अरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, हम एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इसकी मदद कर देता हूं। घुड़सवार ने सोचा, घुड़सवार भी बच्चों बहुत अच्छा था, उसने सोचा कोई कष्ट में है, संकट में है, दो व्यक्ति हवा में लटक रहे हैं, उनकी मदद मैं कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हो गया। घास उसी वक्त क्या हुआ है, घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। देखिए घास नीचे उगी हुई थी, घोड़े को घास बहुत पसंद है बच्चों, आपको पता है, तो घास को देखकर उस घास के चक्कर में घोड़ा एक या दो कदम आगे बढ़ चुका। उसी वक्त घोड़े की पीठ पर खड़े हुए घुड़सवार के पैर फिसले और वह घोड़ा अपने मालिक को छोड़कर आगे बढ़ा। तो उसी वक्त घुड़सवार भी ऊंट वाले के पैरों को पकड़कर हवा में लटकने लगा। एक, दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना, हाँ घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। घुड़सवार घबरा गया था बच्चों, उसे ऊपर का हाल, नीचे देखता है जमीन की ओर तो उसे चक्कर आ रहे हो। वह विनती करने लगा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ। घुड़सवार ने कहा, काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। ऊंट वाला घबरा गया, वह ऊपर से आवाज़ दे रहा है बाबू भाई को, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। ऊंट वाले ने
बाबू काका को कहा, 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। बाबू भाई का सिर चकरा गया। बाबू भाई ऊपर हवा में लटके हुए 100 200 रुपये का हिसाब किताब कर रहे हैं। बच्चों, उन्होंने हिसाब लगाया, पूरे 300 रुपये ठहर रहे हैं, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। बच्चों, हुआ क्या कि खुशी के मारे उनके हिसाब में 300 रुपये आ गए थे, तो खुशी के मारे उन्होंने जो नारियल अपने हाथों पकड़ा था उस नारियल को छोड़ा। नारियल को छोड़ते ही वे देखे क्या हो गया, धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, नीचे जमीन पर आटपके। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आप उठा। हाँ, तो उसी वक्त क्या हुआ बच्चों कि तीनों धड़ाम से जमीन पर गिरे। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे तो उसी वक्त नारियल के पेड़ से एक बड़ा सा नारियल जो वहां से निकला था वह धड़ाम से आकर बाबू भाई के सिर पर आप फूटा। तो इस प्रकार बच्चों इस कहानी का अंत हुआ है। इस कहानी के अंत में आपने देखा कि बाबू भाई मुफ्त के नारियल में जमीन पर पटके गए, जमीन पर आ गिरे और उसी वक्त उनके सिर पर एक बड़ा सा नारियल आ फूटा। तो बच्चों इस सुंदर सी कहानी से आपको एक पाठ समझ में आ गया हो कि हमें नफे के चक्कर में कदापि नहीं पड़ना चाहिए। जो भी अपने नसीब में होता है उतना ही हमें लिए खुशी का एहसास करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हम लोग शब्दार्थ की ओर हम मुड़ेंगे। तो बच्चों आपके इस पाठ के साथ साथ शब्दार्थ दिए गए हैं। अब एक एक करके हम लोग नए पद और उनके अर्थ को भी जानेंगे। नफे का चक्कर, नफे का चक्कर का अर्थ है बच्चों लाभ के पीछे भागना, लाभ का पीछा करना। अब नारियल, नारियल ये पाठ के दौरान हमने शब्द पढ़ा, नारियल यानि यलनीरु, टेंडर कोकोनट, अंग्रेजी में उसे टेंडर कोकोनट कहा जाता है। छड़ी, छड़ी शब्द तो आपसे परिचित है, छड़ी यानि सीधी पतली लकड़ी या लाठी जो बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्ग अपनी सहायता के लिए अपने पास रखते हैं। दाम, दाम का अर्थ है कीमत, दाम इसका अर्थ है कीमत अथवा मूल्य, मूल्य कीमत ये दोनों अर्थ इस दाम के हैं। उसके बाद अगला शब्द आ रहा है शायद, शायद, शायद यानि संभवता, संभवता, संभवता शब्द आप जान चुके हो, शायद ये शब्द भी जानते हैं। अगला शब्द है बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह यानि समुद्र का तट, समुद्र का तट जहाँ जहाज रुकते ठहरते हैं, अंग्रेजी में उसे पोर्ट कहा जाता है। बच्चों उसे पोर्ट कहा जाता है। अब आपको समस्या आई हो इस अर्थ को जानने में, तट, समुद्र का तट, समुद्र का तट यानी समुद्र का किनारा। अगला शब्द है टांग, अगला शब्द है टांग, टांग यानि पैर अथवा पांव, टांग का अर्थ है पैर अथवा पांव। दम, दम यानी क्या अर्थ है, दम का मतलब है शक्ति, ताकत, दम यानी शक्ति अथवा ताकत। अगला पद है घसीटना, घसीटना, घसीटना यानी जमीन से रगड़ते हुए खींचना, जमीन से रगड़ते हुए खींचना। हक्का बक्का होना अगला शब्द है, हक्का बक्का होना, इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका मतलब है चकित होना।
आश्चर्यचकित होना शब्द आप जानते हो, तो चकित होना भी वही अर्थ है। बेकार अगला शब्द है, बेकार। बेकार यानि व्यर्थ। व्यर्थ शब्द आप जानते हो, कन्नड़ में भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, अलग अलग भाषा में भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, व्यर्थ। अगला शब्द है सौदा। सौदा यानि व्यापार। सौदा का अर्थ है व्यापार। अगला शब्द है हर्ज। हर्ज यानि हानि। हर्ज का अर्थ है हानि, नुकसान। हानि, नुकसान। अगला शब्द है फूर्ति। फूर्ति, फूर्ति ये शब्द आपने पाठ के दौरान पढ़ा। फूर्ति यानि उत्साह। फूर्ति का मतलब है उत्साह। अगला शब्द है मुफ्त। मुफ्त शब्द है, मुफ्त यानि निशुल्क। मुफ्त का अर्थ हुआ निशुल्क। अगला शब्द है फूले न समाना। ये मुहावरे का शब्द है बच्चों, फूले न समाना। फूले न समाना यानि अधिक प्रसन्न होना। फूले न समाना यानि अधिक प्रसन्न होना। झूलना, झूलना का अर्थ क्या है? झूलना यानि लटकना। झूलना का अर्थ है लटकना। मामला अगला पद है, मामला। मामला यानि विषय, सब्जेक्ट। मामला का अर्थ है विषय। व्यवहार, विषय व्यवहार। अगला शब्द है मेहरबानी। मेहरबानी का अर्थ है कृपा। मेहरबानी का अर्थ है कृपा करना, कृपा। अगला शब्द है कसकर। कसकर, कसकर का मतलब है मजबूती से। कसकर का अर्थ है मजबूती से। अगला शब्द है पसीना, पसीना होना। पाठ के दौरान आपने इसका अभ्यास किया बच्चों, पसीना पसीना होना, भयभीत होना। भयभीत होते ही व्यक्ति पसीना पसीना होता है। और अंतिम शब्द है बच्चों चकराना। चकराना इसका मतलब है घूम जाना। चकराना यानी घूम जाना। तो इस प्रकार हमने बच्चों इस पाठ से जुड़े हुए नए शब्द, उनका अर्थ का अभ्यास किया है।